जब आप कॉलेज स्कूल में जाते हैं तो आप बच्चों के साथ ऑलरेडी करते हो। तो नारीवाद जो है, नारीवाद कहता है कि ये पैट्रियार्कल पैट्रियार्कल जो है ब्राह्मणवादी परिवार व्यवस्था है, जहां पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, इसलिए तुम्हें इससे विद्रोह करना है। और कैसे? अपने शरीर से विद्रोह करो। तो क्या करें? आओ मुझे भोगने दो। नारीवाद ये सिखाता है। शरीर को टूल अब्राह्मिक बनाते हैं, टूल शरीर को, और नारीवाद भी शरीर को टूल बनाता है। जितने भी मक्कारवाद हैं वो नारी के शरीर को भोगने के लिए नारी स्वतंत्रता का जुमला उछालते हैं। और भारत के नारीवादियों की ये किताब आधार है स्त्री उपेक्षिता सीमंद बहुआ की, कि तुम्हारा शरीर है तुम जैसे चाहो। सीमंद बहुआ भी शास्त्र के साथ लिव इन में रहती थी। और नया जो वोक मूवमेंट पैदा हुआ है वो राजीव मल्होत्रा ने स्नेक्स इन द गंगा में किया है, कि हम किसी के साथ रहें, हम कहीं सोएं, हम कहीं। ये जो नारीवाद स्कूल कॉलेजों से पैदा हो रहा है आपके घर को, क्योंकि आपने अपने संस्कार साथ साथ तक दिए नहीं, तो दूसरा थोप रहा अपना संस्कार और दूसरा कह रहा आओ सामूहिक रूप से हम तांडव करें। और इसमें स्त्री सिर्फ एक प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसका देह सिर्फ भोग्या है और कुछ नहीं है स्त्री। लेकिन आपको एहसास कराया जाता है कि आप स्वतंत्र हो। इसी को जो स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं, कि जो आपका शोषक है आपको उसी की बातें अच्छी लगती है। भारत की लड़कियां स्टॉकहोम सिंड्रोम से, हिंदू लड़कियां पीड़ित होती जा रही है। जो उसको भोगने वाला है वही उसकी स्वतंत्रता की अवधारणा से वो फैसिनेट है।